तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बहुत बड़ा जी, तो सबको ये बात याद रहती है कि आज हमने क्या कहा। बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी इंग्लिश की टेस्ट करने से रोड पे चल जाएगा। अपनी तरफ से आप क्या देख रहे हैं बताइए ना, अपनी तरफ से क्या इनके दरवाजे तक नहीं है। अपना घर जो संस्था है वो बालिकाओं और बच्चों और महिलाओं को एक साथ रखे हुए, और सोशल ऑडिट टीम की भी यहाँ पे विजिट हो चुकी थी, और उस विजिट में मालूम चला है, उनकी जो रिपोर्ट बन के आई है वो ये प्रतीत होती है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है जेजे एक्ट का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। चूंकि एक्ट में ये प्रावधानित है कि महिलाएं और बच्चे जो है एक साथ नहीं रखे जा सकते, और मैं उसी को यहाँ पर देखने भी आई हुई थी, और मैंने पाया कि जो महिलाएं हैं अथवा जो बच्चियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कहीं ना कहीं कोई हैंडीकैप है, और जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है सही चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी भी तरीके का इनका जो संरक्षण है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, और साथ साथ में हमने देखा कि बालिकाओं के जो कमरे हैं उसमें किसी भी प्रकार के दरवाजे नहीं हैं, भोजन का कोई मेन्यू प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा है कि भोजन कहाँ से आ रहा है, तब खाएंगे, इनका अपनी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और देखना, कहने की बात ये भी रहेगी कि यहाँ पे जो डॉक्टर की जो एक टीम आनी चाहिए, समय समय पर इनका जो मेडिकल निरीक्षण होना चाहिए वो भी कहीं पे भी मेंटेन नहीं है, बच्चे का कोई हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। ये लगता है कि केवल और केवल अपना घर ने इन बच्चों और महिलाओं के मात इसलिए रखा है कि उसे डोनेशन मिले, उस डोनेशन से वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करें, लेकिन बच्चों में कहीं पर भी जो है वो डोनेशन का खर्चा नहीं देख रहे हैं। जो सोशल ऑडिट की टीम की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया है कि जो बच्चे जो है वो कुपोषित है, तो इससे लगता है कि नशे की अपने घर में बच्चों का कहीं पर भी जो है संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कार्रवाई के रूप में हमने CWC को इससे अवगत करा दिया है, CWC यहाँ पर आई हुई है, और CWC अपनी तहरीर भी बना रही है, इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज होगा, और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो रजिस्ट्रेशन न होने के चलाते इलीगली संस्था किस प्रकार से चल रहा है, इसके अगेंस्ट जो है CWC एफआईआर भी लिखवा रही है, और साथ साथ में जो है इन बच्चों को और महिलाओं को जो है शिफ्ट भी किया जा रहा है, महिलाएं शिफ्ट करने का जो है निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, और बच्चों को शिफ्ट करने का निर्देश जो है CWC के माध्यम से आज किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा इस प्रकार की संस्थाओं को, जो कि केवल डोनेशन लेने के लिए इस प्रकार के बच्चों और महिलाओं को रखने का काम करती है, और उस डोनेशन से अपने स्वार्थों की पूर्ति करती है, और बच्चों के जो स्वास्थ्य है या उनके सुरक्षा है या उनकी शिक्षा है उस पर खर्च नहीं करती। तो सरकार इस पर गंभीर है, और सरकार इस प्रकार की संस्थाओं में नकेल कसेगी, और सरकार ने पूरा निर्णय ले लिया है कि इस प्रकार की संस्थाओं को सबक सिखाया जाएगा ताकि और संस्थाएं जो है वह सजग हो सके। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मतलब उत्तराखंड या देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जो संरक्षण गृह है वहाँ पर मंत्री जी ने आकर खुद ही छापा मारा है सोशल ऑडिट की टीम के साथ में। आगे क्या आश्रम को सीज किया जाएगा, क्या कुछ इसमें होगा अगर सीज की प्रक्रिया होती है? जी 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 बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके की कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो संस्थाएं जो अनरजिस्टर्ड है वो इसे चला रही है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि ये संस्थाएं इसलिए संचालित हो रही है कि केवल हमें डोनेशन लेना है तो उसे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए कार्रवाई जो है सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक था, और एक ये पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाना भी बहुत आवश्यक है कि संस्थाएं केवल डोनेशन लेने के लिए संस्था ना बने, वो बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए, इसलिए वो इन सब चीजों को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैंने अपनी ओर से जो है इसको गंभीरता से लेते हुए सोशल ऑडिटिंग जो कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है उसकी रिपोर्ट को मद्देनजर देखते हुए, और उसकी रिपोर्ट का परीक्षण भी मैंने आज जो है मौके पर किया, और उसमें पूरी सच्चाई पाई गई है, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई तो बनती है और कार्रवाई उस पर की गई है। मैम बीच बीच में यहाँ पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, तब ये चीजें क्यों पकड़ में नहीं आई? देखिए अधिकारियों द्वारा जब निरीक्षण किया गया है तो मुझे लगता है कि इनको कई बार की चेतावनी इनको दी गई है, और कई बार की चेतावनियों में मैं कहना चाहूंगी कि एक महीने पहले ही सोशल ऑडिट टीम यहाँ पर होकर भी गई है, उन्होंने भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि आप दरवाजे लगाइए, शौचालय प्रॉपर कीजिए, भोजन आप टाइम पे दीजिए, बच्चों का मेडिकल हेल्थ चेकअप कराइए, उनका पूरा चार्ट बनाइए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं पर भी आज भी
जो है एक महीने के अंतर्गत हमने कहीं देखा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये लोग इन सब चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तो ये बहुत आवश्यक हो गया था कि इनके खिलाफ जो है एक्शन जो है लिया जाए, जो आज लिया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो हमने बात की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी से, जो जिन्होंने बताया कि अब इस आश्रम को सीज किया जाएगा और किसी भी तरह की इस तरह की अनियमितताएं किसी भी आश्रम द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईटीवी भारत के लिए मेघा बहुगुणा देहरादून।